इसमें कौन सा गाना चल रहा है? आपके हेडफोन में तो एवरीबॉडी हम आ गए हैं कटरा और मैं फाइनली इसको लेकर कटरा आ चुकी हूँ। वैष्णो देवी, जैसा कि आप लोग मुझे अगर बहुत टाइम से फॉलो कर रहे होंगे तो आप जानते हैं कि मैं हर साल माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आती हूँ और ये साल मैं चाहती थी, एक्चुअली पिछले साल ही चाहती थी शादी के बाद कि मैं और सागर साथ में आए, बट वो कुछ रीज़न से नहीं हो पाया। तो इस पिछले साल एक माता ऑलरेडी बहुत हावी थे तो इन्होंने नहीं बुलाया, अब बुलाया इस बार और ऐसा बुलाया कि मम्मी पापा के साथ आए। हाँ, तो हम पूरे परिवार के साथ, मतलब पूरे मयंक नहीं आ पाया बट हाँ। हम मम्मी पापा, मैं और सागर, हम चारों आए हैं। आज सुबह हम लैंड किए जम्मू में और जम्मू से हमने ली थी टैक्सी टू कटरा। हम पहुँच गए थे, उसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि हम सुबह 5 बजे से निकले हुए थे अहमदाबाद से, पहले इंदौर और इंदौर से जम्मू की हमारी फ़्लाइट थी। तो हम यहाँ पर पहुँचे और हम स्टे कर रहे हैं हॉलीडे इन कटरा में। पहली बार हम यहाँ स्टे कर रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी ही नहीं है, ये रिसेंटली ओपन हुई है, प्रॉपर्टी को एक साल भी नहीं हुआ है। यस, तो हम स्टे यहाँ पे कर रहे हैं और आपको चलो दिखाते हैं हमारा रूम और थोड़ी प्रॉपर्टी कैसी है, बिकॉज हमें तो अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बस चलिए आपको रूम टूर देते हैं और इसके एक्सप्रेशन ये चलते रहेंगे। और माता के दर्शन करने हम कल जाने वाले क्योंकि ऑब्वियसली पूरा यस व्लॉग ही पूरा यही है, तो आपको वो भी दिखाएंगे। लेट्स गो। रेलवे स्टेशन है और आपको दिखेगा, थोड़ा जूम करते हैं हम, ये रहा, यहाँ से एंट्री है, आपको फ्लैग दिख रहा होगा और यहाँ से रेलवे सारे प्लेटफॉर्म्स हैं अंदर जाके। हाँ जी, माता के भवन जाने का रास्ता यहाँ, कल हम यहाँ से जाएंगे। बस हमने आज कुछ भी नहीं किया है, मार्केट की थोड़ी सी ऐसी चहल पहल देखी। वैसे मैं कंपैरेटिवली लाइक जितनी बार भी आई हूँ उसके कंपेयर में इस बार पहली बारी मैं कटरा इतना खाली देख रही हूँ। मतलब अभी कल भवन जाएंगे हम, दर्शन के लिए जाएंगे तो पता चलेगा कितने लोग हैं, बट वैसे मार्केट काफ़ी खाली खाली दिख रहा है। तो मे बी बिकॉज ऑफ ठंड और मे बी क्योंकि फैमिली ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती क्योंकि बच्चों के अभी फाइनल एग्ज़ाम्स और ये सब आने की तैयारी में लगे रहते हैं, तो इसलिए भी क्राउड शायद कम हो सकता है। एंड मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस अभी हम जल्दी सो रहे हैं, 9 बज रहे हैं, हमने जस्ट डिनर किया, रूम में वापस आए हैं, वेरी कंफर्टेबल। सागर तो ऑलरेडी बेड में कंफर्टेबल हो चुका है, हम सो जाएंगे। मम्मी पापा ऑलरेडी चले गए रूम में, वो लोग भी सो जाएंगे, हम भी सो रहे हैं, 9 बज रहे हैं। सुबह हम जल्दी उठेंगे 6 बजे और रेडी वेडी होके हमें यात्रा के लिए पैदल करने वाले हैं। अभी देखते हैं क्या होता है, वो तो आपको कल बताएंगे। सो कल सुबह मिलते हैं रेडी होकर। ओके गाइस, तो हम अभी निकल रहे हैं, नाश्ता वाश्ता कर लिया है हमने और सबसे पहले हम जाएंगे पर्ची लेंगे। पर्ची लेने जाएंगे हम बस स्टैंड, उसके बाद हम वहाँ से यात्रा के लिए जाएंगे बाणगंगा से। यहाँ पूरी मार्केट है, पूरी पूरे मार्केट है पूरे रास्ते में। अच्छा, हाँ। तो वैसे भैया मैं पिछले बार तो नए वाले रास्ते से गई थी, उधर कुछ नहीं है, उधर कुछ भी नहीं है भाई। हाँ, वहाँ बहुत शांत सन्नाटा सा लगता है एकदम, इधर से ही जाना चाहिए। क्यों अभी भीड़ नहीं है? हाँ, सही दर्शन है वो पुराने रास्ते से ही है। हाँ, बाणगंगा पड़ता है, चरण पादुका पड़ता है। हाँ, सब मंदिर वही पड़ता है वही। हाँ, सही वही है, दर्शन करने वाला रास्ता वही है। जी जी। हाँ, जो न्यू ट्रैक बना है ना। हाँ, वो बनाया है बोर्ड वालों ने अपनी कैब के लिए, उनके स्टाफ पैदल आते जाते थे। तो बैटरी वाली गाड़ी अगर अर्धकुमारी से मिल जाती है, क्यों अभी तो ज्यादा भीड़ नहीं है? तो ज्यादा भीड़ नहीं है अभी क्योंकि ऑनलाइन हमने देखा था तब तो वो अवेलेबल नहीं थी।
ज्यादा भीड़ नहीं है अभी। हाँ अभी ज्यादा भीड़, मैं बोल ही रही हूँ मार्केट में एकदम खाली खाली लग रहा है। तो जी ये है एंट्री पॉइंट, यहाँ पर सबसे पहले चेकिंग होगी। बाणगंगा वाले रास्ते से जा रहे हैं हम, तो ये चेकिंग पॉइंट है। तो ये है ऑफिशियल घोड़े पिट्ठू पोनी प्रीपेड बुकिंग काउंटर। आप अलग से ऐसे ना करें, यहीं पर आके करें, क्योंकि आपको सही एक रेट मिलेगा। घोड़े नहीं, चलते चलते मतलब आधा तो नहीं बोल सकते क्योंकि अर्धकुमारी इस आधा भवन से, तो अर्धकुमारी पहुंचने के लिए हमें 2 किलोमीटर और रह जाता है। 2 किलोमीटर 15 मिनट में नहीं, आधा घंटा, आधा पौन घंटा तो लगेगा, क्योंकि हम लोग बहुत धीरे धीरे एक स्लो पेस पे चल रहे हैं, क्योंकि मम्मी पापा भी है साथ में, और बहुत ज़्यादा हम रश नहीं करना चाहते, आराम आराम से चल रहे हैं। मस्त रास्ते में गन्ना जूस भी पिया हमने, यार 100 रुपये वाली चश्मा में तो अच्छे ही लगते हैं। और सच बताऊं तो मैं आज तक जितनी बार भी वैष्णो देवी आई हूँ, मुझे इतनी कम भीड़ पहली बार मिली है। खाली है, दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम टू कम। मतलब आप इस टाइम पे अगर आओगे, ये सबसे, अगर आपको भीड़ कम चाहिए, ये देख लीजिए आप लोग, हाँ, कितना खाली, खाली है। और ये पुराना वाला रास्ता है, इतना खाली है, मतलब मैं पहली बार देख रही हूँ इतना खाली। कैसी लग रही है आपको चढ़ाई? बहुत मजा आ रहा है, दर्शन माता जी दर्शन देने के पहले पूरी परीक्षा लेते हैं। अच्छा लग रहा है, आराम से, रोड पूरा खाली है तो मजा आ रही चढ़ने में। जय माता, जय माता जी, जय माता दी। मैंने लिया है पोर्टलैंड। हाँ जी, तो हम लोग आ गए हैं अर्धकुमारी से आगे 2-2.5 किलोमीटर आगे। मम्मी पापा बहुत थक गए थे तो उनको घोड़ा कर दिया हमने कि आप घोड़े पे जाओ, तो वो भवन में हमको मिलेंगे डायरेक्टली। हम लोग ये हेमकोटी वाले मार्ग से जा रहे हैं, वैसे भी पैदल वाला ये रास्ता है और सांझी छत वाला घोड़े वाला है, तो बस हम यहाँ से चल रहे हैं। आप भी कभी आओ तो गलती मत करना, सांझी छत वाले रास्ते से मत चल जाना, बहुत खिचड़ी खड़ाई है, बहुत स्टीप है, बहुत यहाँ पे सही है। तो बस हमारा अभी 2.5 किलोमीटर जितना रहता है भवन पहुँचने का, हम शायद 1.5 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे मैक्स। तो जी फाइनली हम पहुँच गए हैं भवन, और पहुँच गए हैं हम भवन। कैसा लग रहा है? हम बहुत जल्दी आ गए, मतलब इतना फास्ट मैं आज तक नहीं चली हूँ वैष्णो देवी, मैं बहुत बार आई हूँ। एक घंटे, हाँ बस, मतलब मुझे लगता है घोड़े वाला भी इतना ही कह रहा था 1 घंटे पर, वो सागर रत्न अपने मम्मी पापा वहीं मिलेंगे अपने को। हाँ जी, तो बस हम भवन पहुँच गए, जैसा कि आपको बताया था। अभी हमने लॉकर भी ले लिया है, लॉकर यहाँ पे फ्री सर्विस होती है, बस आपको क्यू में लग के ताला चाबी मिलता है और आप उसमें अपना सारा सामान रख सकते हो, क्योंकि मंदिर के अंदर कुछ भी नहीं ले जाने देते हैं, ना फ़ोन ना आपका वॉलेट, कुछ भी नहीं। अगर आप कैश रखना चाहते हो बस कैश रख सकते हो, बाकी सब कुछ आपको यहाँ पर अंदर लॉकर में रखना होता है, वो हमने रख दिया है। और बस मम्मी पापा आ रहे हैं यहाँ से, के बाद हम साथ में दर्शन के लिए जाएंगे, और फ़ोन भी क्योंकि अंदर रहेगा तो बिल्कुल अंदर तो ऑब्वियसली कुछ शूट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब भैरव बाबा जाएंगे, भैरव बाबा हम सोच रहे हैं रोपवे से जाएं, तो देखते हैं रोपवे में कितनी लाइन है। पहले दर्शन करेंगे माता रानी के, उसके बाद हम रोपवे की लाइन देखेंगे और भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए जाएंगे। Yeah.
हाँ जी, तो हम दर्शन करके आ गए हैं माता रानी के, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। और ये पीछे मंदिर है, लाइन बहुत ज़्यादा नहीं थी, हम आधे आधे पौन घंटे में पूरा लाइन में लग के दर्शन करके आ गए। और अभी काफ़ी कुछ नया कर दिया है, ऑब्वियसली आपको इसलिए सब कुछ देखने नहीं मिलता मंदिर का, क्योंकि किसी को भी फ़ोन और कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। बट दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, अभी हम कुछ खाएंगे और उसके बाद भैरव के लिए जाते हैं कि नहीं जाते नहीं पता, अभी देखते हैं। और उसके नहीं तो फिर हम डायरेक्टली नीचे जाएंगे और या विल अपडेट। तो दोस्तों, क्योंकि मम्मी पापा दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और पापा को थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, तो हमने सोचा कि हम भैरवनाथ नहीं जा रहे हैं, हम सीधा नीचे वापस कटरा जाएंगे। और हम सब घोड़े से जा रहे हैं क्योंकि वो लोग को अकेले अभी नहीं छोड़ सकते हम अभी, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है। तो हम सब ने घोड़े कर लिए। अब हम मैं पहली बार, मतलब मैं जब छोटी थी तब आई थी, तब मैं बस उतरते टाइम घोड़े में बैठी थी मैं और तारिका, अभी मैं उसके बाद पहली बार बैठूंगी, एक्सपीरियंस भी एक बार करना तो कर ही लेते हैं। चलो तो बस अब जा रहे हैं हम घोड़े पे सवार होके वापस। हम इतने ज़्यादा थक गए हैं, वापस आ गए रूम में और रूम पे ही खिचड़ी ऑर्डर कर ली थी। और साथ में अभी वैसे हम नीचे देखने गए थे बुफे में क्या है, तो थोड़ा सा वहाँ पे खाया। और ये है खीर, लौकी की खीर, जो कि हम रूम में ले आए हैं क्योंकि ऐसा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वहाँ बैठने का, ऐसा इतना ज़्यादा पैर और सब इतना दर्द हो रहा है, मतलब शरीर का एक एक अंग दर्द हो रहा है। तो बस हम रूम पे ये खाएंगे और बस सो जाएंगे। कल हम वापस यहाँ से निकलेंगे कटरा से जम्मू, जम्मू से हमारी फ़्लाइट है बैक टू अहमदाबाद। और ऐसा तो बस ये था व्लॉग, यहाँ पर एंड करते हैं इसको। होपफुली अब जानकारी वाला, अगर आपको पूरा ऐसा डिटेल वाला चाहिए ना, तो आप मेरा पिछला वाला व्लॉग मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी मेरे पिछले दोनों वैष्णो देवी के व्लॉग, वो आप देखना। अपडेटेड जो भी चीज़ें हैं वो तो मैंने मेंशन कर ही दी है। एंड या होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड सी यू एंड विल सी यू ऑन आवर नेक्स्ट व्लॉग। बाय।